बादल भी बोल रहे हैं कि गाओ लो पक्का बस कैसे आप सभी लोग आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह रात सुबह के अभी रात के बज रहे हैं 11:30। और आज का जो हमारा व्लॉग होगा वो सबसे यूनिक होगा। हाँ, और हम इसमें खेलेंगे गेम। कौन सी गेम खेलते हैं? जिसमें हम गेम खेल रहे हैं हु नोज बेटर ईच अदर, जिसमें इसमें ये होगा कि हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो देखते हैं कौन किसको ज्यादा जानता है। और नो चीटिंग, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अपने पल घड़ी में आंसर बदल दिया। अरे कोई चीटिंग नहीं हो रही है इसमें। ओके, तो हमने अपने अपने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। मेरा फोन, मेरे फोन से ब्लॉग बन रहा है, तो इन्होंने अपने क्वेश्चन अपने फोन में लिख दिया और मैंने इस छोटी सी डायरी में लिख दी है। पहले कुछ खा लेते हैं। स्टार्ट। बस इनको ना खाने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है जो भी। और इसमें एक गेम में ना, गेम में अगर कोई गलत आंसर देगा तो उसके लिए सजा भी तो होनी चाहिए। तो उसकी सजा ये होगी कि जो गलत आंसर देगा उसको हम मारेंगे किलो से ऐसे। पर अभी गलत क्वेश्चन तो दिया नहीं आंसर। अभी मैं सजा बता रही हूँ तो वो तो ऑन द स्पॉट पड़ेगी उसको किलो का घसा। सो लेट्स स्टार्ट। करते हैं, नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। सो चलो वो बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम। चॉकलेट खा लेते हैं। खाने से पहले वो ना कुछ मीठा हो जाए। खाने से पहले नहीं, कुछ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। थोड़ा सा ओके। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए गेम को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा मेरा। ओके, पहले इजी क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं, टफ टफ क्वेश्चन बढ़ते हुए लेवल के साथ। सो मेरा पहला क्वेश्चन है माय फेवरेट चिप्स। क्या फेवरेट चिप्स? येलो। सीरियसली फेवरेट चिप्स? हां जी, कौन से वाले? चिली लेमन। बच गया मेरे वार से। तो चलो मैंने भी यहाँ पे लिस्ट बना दिया, तो पूछते हैं। मैं भी आपसे नॉर्मल पूछूंगा पहले स्टार्टिंग में। मुझे सबसे ज्यादा किस चीज का शौक है? कार्स का। किसका? कार, न्यू उसके बारे में जानते नहीं हो? नहीं, कार्स का शौक नहीं था आपको? अच्छा मुझे ये बताओ किस फील्ड में, मतलब ये तो पता होना चाहिए ना तुमको। पता होना चाहिए ना रोज की एक्टिविटी देखकर। वैसे तो आपको काफी चीजों का शौक है, तो कम से कम मुझे ये तो पता लगे कि किस फील्ड में बोल रहे हैं। लाइक किसी, अच्छा ट्रैवलिंग का। हाँ ट्रैवलिंग भी बोल सकते हैं। तो और किस चीज का शौक हो सकता है? सोचो सोचो, पूरे दिन में एक्टिविटी होती रहती है वो। यूट्यूब का मतलब? इस यूट्यूब तो अलग है, यूट्यूब से यूट्यूब का तो कोई काम नहीं अभी। पूरे दिन में मैं वो एक्टिविटी करता रहता हूँ और डेली करता हूँ। पता नहीं रुको, ऐसे कैसे थोड़ा सा प्रशासन ढूंढते हैं। क्या? खाने पीने का। और ये और ना इसको मेरे इनको डेली का इनको पता है कि मैं डेली कुछ ना कुछ खाता भी चलूँ, इनसे डेली इस बारे में डिस्कशन भी करता हूँ। तो चलो अब आपकी बारी। पहले मैं ही, मुझे ही मार पड़ी। सो मेरा क्वेश्चन है हमारी फर्स्ट मीट कब हुई थी? फेस टू फेस। फेस टू फेस
वो डेट मुझे बताओ। 4 मई। चार जून। बस यार ऐसे कैसे हो सकते हैं। रुको यार, तुमने सच में बुला दिया मेरे को। मैं फर्स्ट टाइम मैं कुल्लू में मिला था। मैंने येलो कलर की टी शर्ट डाली थी और आपने येलो कलर की शर्ट डाली थी, ब्लैक जीन डाली थी। इतना क्यों बताया? ये तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। मैं नहीं आता आपके साथ यार, आप चीटिंग कर रहे हो। मेरे को तो कुछ देखा भी नहीं। पहली बात तो है, 10 बार जवाब दे के तब तो कोई बोल ही देगा तुक्का लगा के। एक बार में जवाब देना, ये भी एक भूल गया। अल्लाह होता है यहाँ से खत्म हो जाए सब कुछ। खत्म, टाटा बाय बाय। एक मिनट, एक बार था माना मेरे सारे बाल खराब कर दिए यार। हमारी फर्स्ट मीट हुई थी ऑड में और उस दिन डेट थी 4 जुलाई। हाँ तो ठीक तो बोला मैंने, जून बोला था। तो एक ही बात है, एक महीना के चले गए, जून जुलाई एक ही बात है बस। आपकी बारी। चलो इतना टाइम लगाओगे ना तो कल सुबह पनवेल भी निकलना है, जल्दी बोल। पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है? अच्छा, सबसे ज्यादा इनको पता क्या पसंद है? कंघी करते रहते हैं बस, ये इन्हें बहुत पसंद है। इसमें हम कर नहीं सकते हैं। पसंद है, ओके। इसमें ले, ये अभी तक ये उठा रहे थे मारने के लिए। कितनी बड़ी लिस्ट बना दी है। हमारी शादी वाले दिन कौन सा डे था? हमारी शादी जब हुई थी उस दिन कौन सा डे था? डे, हाँ जी, डेट नहीं पूछ रही हूँ, डेट इतनी इजी है सब याद रखना। डिंगर कड़क डिंगर, और एक बार ही नहीं देना आंसर, ठीक है? इस ऐसे नहीं कि तुक्का लगा रहे जन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। नो, एक मिनट, एक एक बार ही नहीं। अभी तो मैं अभी तक किसी नहीं मारूंगी, अभी तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपके साथ। फ्राइडे थर्सडे था, चेक कर लो चाहे। कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि तो सोचना। नहीं, रुको, लिखे। शादी वाले दिन जब हम दोनों बाहर बैठे थे और स्नैक्स आ रहे थे तो सबसे पहले हम दोनों ने एक साथ में क्या खाया था? वाह, ये कोई खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, मुझे याद है। बताओ। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। हद है यार, मतलब है खाने पीने की ही चीजें। बताओ, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। वो था, वो क्या बोलते उसको, चिली पनीर था ना। मेरा क्वेश्चन फ्री टाइम में मुझे क्या करना पसंद है? मोस्टली मैं क्या करती हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ? सच बताऊँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती है। राइट, चलो कुछ तो सही बोला। ओके, कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे पसंद है बट आपको नहीं? चाय। Am I right? बिल्कुल राइट। Yes. मेरी सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है सरकार। चलो मैडम, पकड़ो। मेरी टर्न है। हाँ, आपकी टर्न है। अरे मैंने तो पूछा था अभी फ्री टाइम में मुझे क्या करना पसंद है, आपकी टर्न है। मैंने पूछा आपसे ये क्या नींद लगी है रात को क्या? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फ्री टाइम में
नहीं हाँ आपको समझी ओके सो मेरी शूज का साइज क्या है बाप रे बाप क्या क्वेश्चन सच में हाँ जी मेरी शूज का साइज क्या है पांच नंबर एक ही पड़ेगी बताऊँ क्यों एक इसलिए पड़ेगी क्योंकि कुछ शूज ऐसे होते हैं जो मुझे चार आते हैं पांच नंबर मैंने कुछ भी पांच आते हैं हेलो दोनों आते हैं चार पांच एक हमारा आपने क्योंकि जब मैंने आपको जब शूज दिए थे मैंने पांच नंबर मिले थे और आपको बिल्कुल आए थे अभी सामने पड़े हैं अच्छा आधा आधा सही था मतलब चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाओ वाओ खाने में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है राजमा का मजा राजमा चाइनीज फूड में मैडम नॉट दाल चाइनीज में आपको सबसे ज्यादा पसंद है कैल्जोन वेज कैल्जोन एम राइट बारी बादल देख रहे हैं बादल बहुत बरस रहे हैं बाहर गरज रहे हैं नॉट बरस रहे मैडम मैंने तो कुछ बोले मैंने बोल दिया आपकी तरफ से क्या मैं सही कहा मैंने हां ठीक है ओके बड़ी गंदी लिस्ट बनाई है आपने सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमने साथ में पहली बार कौन सी मूवी देखी थी जो यार मतलब इतना नाजायज फायदा यहाँ घर की बात कर रही हो थिएटर मतलब थिएटर की बात कर रही हो फर्स्ट टाइम वो थिएटर हो चाहे घर हो वो नहीं मैं बताऊंगी आपको हाँ चलो थिएटर यार फर्स्ट टाइम तो हमने सलमान खान की देखी थी टाइगर थ्री तुक्का लगाया चलो तुक्का लगाया मेरे को ना एकदम से अपने ब्लॉग की याद आ गई तो चलो सो मेरा 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 नॉट योर ओके इट्स योर नॉट माइन सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरी डेली लाइफ की कोई ऐसी दो चीज बताओ जिसके बिना इनकम्प्लीट लाइफ लगती है मेरी दो बहुत इजी है बताओ बहुत ज्यादा इजी है बताओ नंबर वन इज बाल पालना मैं दिन के एक बार बाल पालता हूँ अच्छा जितनी बार भी घर आते हैं कुछ मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता चलो तीन बता दूंगी एक बाल वाला आ गया इसमें ठीक है एक बाल वाला आ गया सेकंड कान्हा जी के भजन सुनना हाँ ओके दो एक अब सेकंड बताओ चाय पीना लाइफ उसके बिना अच्छा एक ना एक टाइम तो पीते ही हो उसके बिना तो आप दिन भी नहीं करता मैं चाय 10 बार पीता था ये तो अब एक टाइम किया हाँ तो उसके बिना नहीं है नहीं सोचो टीका लगाए बिना हाँ ये भी हो सकता है बस कितने दो ही बोला था मैंने चार गिना दिए ठीक है सो योर टर्न नेक्स्ट आय हाय ओके सो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो मैं ऐसी कौन सी चीजें तो मैं जरूर खाती हूँ चाहे जो मर्जी हो जाए खाती हूँ ट्रैवल में बाहर जाते हैं हाँ खाती या पीती हूँ बोथ सूप कौन सा वाला सूप वेजिटेबल सूप पनीर वाला हाँ जी वो ना मेरा इतना मोस्ट फेवरेट वो तो सबको पता ही है जब भी हम बाहर निकलते हैं तो वाहन को रुकाता ही रुकाता हूँ मैं आई लव खाने से हटना नहीं है फिर इनको खांसी हो रही होती है अरे 12 बनने वाले हैं तो 15 मिनट है तो मैं बोलता हूँ पर अब नहीं कुछ कर रहा मैं ना इनको पहले बोल रहा कि आज का ब्लॉग जो है हम मतलब ब्लैक एंड ऑनी तो जाओ और वहां पे शूट करते हैं माफ कर दो बस खाने घूम फिर के पता है बात जो है वो खाने पर ही आ जाती है तो चलो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जब हम चंडीगढ़ में गए थे और वो चीज कौन सी थी
जिसमें ना हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे वो ये थी कि मुझे क्या ये याद नहीं रहेगी, ये तो लाइफ की सबसे बड़ा, उस दिन तो इतना दिमाग खराब हो गया था ना, मुझे लगा था कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक्चुअली वहाँ पे एक जो चौक था ना, और हम वहाँ से निकल रहे थे, तो हमें हम खरड़ खरड़ देख रहे थे, बट हमें जाना था रूप, मतलब हमें पहले जो आना था वो आना था रूपनगर, और वहाँ पे खरड़ कहीं से भी नहीं आ रहा था, और हम लोगों से पूछ रहे बाहर कहाँ से जाएं, तो वो वही रास्ता बना बता रहे थे। नहीं है ना, जब हमने जब मतलब ना हम यू टर्न मार के गए थे, जब फ्लाई ओवर आता है तो उसमें आता है रूपनगर, तो हमने उस रोड से निकलना था, बट वहाँ पे ना नया काम हुआ था, तो मतलब मेरे को भी उतना आइडिया था वहाँ का, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद गया था चंडीगढ़। सो मैं जब टर्न ले रहा हूँ, तो मैं अब मतलब ना हट फिर के उसी पॉइंट में आया रहा, तो मेरे को दो तीन बार इरिटेशन हुआ, और हम बाद दो तीन बार हम उसी पॉइंट में आ गए, बट एंड में मेरे को मिल गया रोड, फिर हम सीधा निकल गए थे वहाँ से। ओ शिट, लाइट चली गई, मुझे पता था लाइट जाएगी, फ्लैश ऑन करते हैं। अभी ना रात के 12 बज रहे हैं, तो इस ब्लॉग को ना हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप क्योंकि अंधेरा बहुत, मतलब रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है कि अब, और बारिश भी हो रही है, तो लाइट बंद कर दियो क्या पता। सो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप आपने ब्लॉग को बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, तो आप ना इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्लॉग को शेयर कीजिए, और यूं ही हमें प्यार करते, और आप ना हमें जरूर बात ये भी बताना कि हम नेक्स्ट व्लॉग, हमें ना थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपसे, थोड़ा आप हमें ना मतलब आइडिया दे सकते हो कि हम नेक्स्ट व्लॉग किस चीज का बनाएं, क्योंकि हमें ना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम क्या कंटेंट आपके सामने रखें, आपको क्या पसंद आएगा, तो आप ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जरूर बताएं कि हमें ना क्या डालना चाहिए। सो आज के व्लॉग को करते हैं एंड, सो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।